हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मनीष अलवरिया व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बताइए कैसे हो दोस्तों। और भाई हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तो नवरात्रि में आज मेरा ये पहला व्लॉग डल रहा है, क्योंकि बीच में काफ़ी गैप हो गया था मेरे व्लॉग में, तो कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, उसके लिए सॉरी। तो चलिए भाई, और मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा खुश रहो और आपका घर परिवार भी हमेशा खुशियों से भरा रहे। और भाई मेरे हस्बैंड अभी ड्यूटी जा चुके हैं, और ये देखिए मुझे करेले की सब्जी बनानी है, तो पहले मैं इनको साफ करूंगी। हमारे इनको हटा के, ऐसे ऐसे हटा के इनको, ये जो मोटे मोटे रहते हैं, तो उसके बाद फिर बनाया जाता है। बच्चे सो रहे हैं आराम से, और दूध वाला भैया भी आया नहीं है। ये देखिए दोस्तों, पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ भाई, गरम गरम दूध है वरना फिर ठंडा हो जाएगा। मेरे हस्बैंड तो आज दूध पी के गए नहीं, उन्होंने दही के साथ रोटी खा के गए हैं, क्योंकि आज उनको थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था, तो इसलिए दही और रोटी खा के चले गए। रोटी गर्म नहीं, दही के साथ ठंडी रोटी खाते हैं वो। वैसे दूध पी के सुबह सुबह वो ठंडी रोटी खा के जाते हैं, रोटी पे जाते हैं, गर्म नहीं चाहिए उनको। उनको पेट के लिए ठंडी रोटी चाहिए, बोलते हैं मैं ठंडी रोटी खाऊंगा। तो भाई हम तो नाश्ता कर लेते हैं। मेरे बिस्किट तो, जो मुझे कोकोनट के बिस्किट पसंद है, वो तो बच्चे खा गए, और अब उसमें रस है, टोस्ट है, तो मैं यही खाऊंगी। देखिए दोस्तों, मैंने कटिंग कर ली है भाई। ये देखो इतना कचरा निकला है, कितना सारा। इतने तो मेरे को ये भी दिखाई नहीं दे रहे करेले भी, जितना सारा कचरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखिए, मैंने इसमें नमक लगा के रख दिया है थोड़ी देर, जब तक मैं आलू टमाटर प्याज की कटिंग कर लेती हूँ, तब तक इसमें नमक लगा के रख दिया है। थोड़ा कड़वास रहता है ना, तो वो कड़वास खत्म हो जाता है नमक लगाने से। ये देखिए दोस्तों, मैंने कटिंग करके रख ली है भाई। ये प्याज काट ली है, ये टमाटर, हरी मिर्च, और ये मैंने करेले काट लिए हैं, और ये आलू कटिंग कर लिए हैं। और मैंने कपड़े में रख दिए, क्योंकि ये गीले थे ना, तो थोड़े पानी ये थोड़ा बहुत होगा जो सोख लेगा ये। वैसे तो मैंने इसको पहले ऐसे निचोड़ा है पूरा, निचोड़ने के बाद मैंने फिर इनकी कटिंग की है, तो आप लोग भी निचोड़ लेना पहले, क्योंकि इसमें पानी होता है ना, तो इसलिए निचोड़ना ज़रूरी है। इसको ऐसे करके और ऐसे ऐसे निचोड़ लेना इनको। देखो अब भी शायद पानी निकल रहा है, देखो देख सकते हो अब भी है पानी इनके अंदर। तो प्लीज़ गिनी इतना स्किप किए देखना, स्किप कर करके बिल्कुल मत देखना। और देखो भाई फ्राई हो चुके हैं, और अब मैं इनको निकाल देती हूँ प्लेट में। देखो भाई, मैंने निकाल के यहाँ पे रख लिए हैं, और अब मैं छौंकन दे देती हूँ। तो भाई हम ऐसे कुछ अलग से मसाला वसाला कुछ नहीं डालते हैं, क्योंकि मसाले हमको सूट ही नहीं होते हैं। बच्चे भी नहीं खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते हैं, और मैं भी नहीं खाती हूँ, तो मसाला तो हम डालते नहीं हैं। सिंपल सब्जी बनाते हैं हम, कम तेल की, और बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल। और देख सकते हो आप, मेरे पास मसाले भी ऐसे कुछ नहीं है। आपने सोचा होगा ये नमक है, ये राई है, ये रेड मिर्च जो यूज़ नहीं करते, कभी कबाव नहीं होती है तो हरी मिर्च भी डाल देंगे, हल्दी है, ये इसमें मेथी है, और ये हींग है, बस ओनली मसाले में ये रख रहे हैं। ज़्यादा ऑयल भी नहीं खाते हैं भाई, ज़्यादा ऑयल वैसे भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है ज़्यादा ऑयल खाना, तो बिल्कुल नॉर्मल ऑयल रखते हैं। ये भी ज़्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है। प्याज भाई हल्की सुनहरे रंग की हो गई है, अब इसमें हम हरी मिर्ची और टमाटर काट डाल देंगे। और ये देखिए भाई, हल्दी डाल दी है मैंने, थोड़ी सी पहले भी डाल दी थी। ये देखो भाई, 5 मिनट हो चुके हैं, और सब्जी हमारी
बन गई है बिल्कुल ना, हो गया। अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, बच्चे अभी तक नहीं उठे हैं भाई। 9:53 हो चुकी है, मतलब 10 बजने वाले हैं। चलो ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। मैंने झाड़ू भी नहीं लगाई क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है ना, ये करेले को छीलो फिर सारा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ये देखिए दोस्तों भाई, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। दोस्तों मैंने बेड शीट रूम को सही से कर दिया है, सब चीज़ अपनी जगह पे देखो बिल्कुल। और अब निकालनी है भाई मेरे को झाड़ू। चलिए देखते हैं गाइस मम्मी जी क्या कर रही हैं। वैसे तो पता है मुझे कपड़े धो रहे हैं, पर तब भी देख ही लेते हैं। देखिए दोस्तों कपड़े धो रही हूँ भाई, बच्चों की ड्रेस, घर के कपड़े। कपड़े भाई रख दिए हैं दोस्तों कबट में, और भाई हमने देखो बंद कर रखे हैं पर्दे क्योंकि धूप बहुत तेज आ रही है, तो इसलिए हमने पूरे पर्दे बंद कर रखे हैं। अब मैं खाना बना लेती हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया आज तो। टाइम कितना हो गया अभी? और ये देखिए बच्चे भाई उठ चुके हैं, सो रहे हैं, आदि सो रहे हैं। टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, आदि ने कपड़े पहन ली, देखो टी शर्ट पहन ली है आदि ने, और आरू ने नहीं पहनी है टी शर्ट, इसलिए वो उधर छुप रहा है। देख सकते हो आप, वो छुप रहा है, देखो देख वो उधर छुप रहे हैं, आगे के कपड़े पहन लिए तो इसलिए। कितना टाइम हो गया बेटा? ये देखिए भाई एक बज चुके हैं, देखो वो वहां पे छुप रहा है। चलो तो फटाफट से खाना बना लेते हैं भाई। ये देखो मैंने आटा तो लगा के रख दिया था आटा, अब फटाफट से मैं रोटी बना लेती हूँ। दोस्तों रोटी बना ली है भाई, और टाइम हो गया है 1:30 का, और अब मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, और उसके बाद मेरे को लाइव आना है, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा लेट हो जाऊँगी। ये देखिए जी मैंने खाने में क्या लिया है, ये दही है, ये मेरी सब्जी आलू और उसकी करेले की सब्जी, और ये मेरी रोटी। और दोस्तों मैं भाई वो फूड खा रही थी, मतलब राजस्थान में भूड़ है, तो भूड़ में मतलब बहुत ज़्यादा कचरी मिलती है। ये देखिए इनके दोस्त है एक अजमेर के, तो वो अपने घर पे गए थे, तो वो हमारे लिए देखो क्या लेके आए, देखो इसको बोलते हैं फूट, और इसको मैंने फ्रिज में रख रखा है ठंडा करने के लिए। और ये देखो ऐसी सीधी सीधी कचरी मिलती है हमारे खेतों में, मतलब सब जगह मिलेगी। ग्वार की फसल जहाँ ज़्यादा होती है, ग्वार बाजरा के अंदर ये ज़्यादा मिलती है, तो अब ग्वार बाजरा का ही टाइम है, तो इसलिए। तो भाई मेरी लाइव ख़त्म हो गई है, अभी अभी लाइव ख़त्म हुई है, 4:30 होने वाले हैं, और आप देख सकते हो बाहर का मौसम दिखाती हूँ आपको मैं। देखो आरू ने अपने शूज धोए हैं, देखिए अपने शूज धो के सुखा रखे हैं, देखो थोड़े ऐसे ही हो रहे हैं, बादल से हो रहे हैं, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है लेकिन। क्या कर रहे हो बच्चा? क्या कर रहे हो बच्चा? पढ़ रहा हूँ। अरे अरे इसको इसको देखो भाई, आरू को, आरू ने अपना बदन ढक लिया है।
दोस्तों शाम के बज गए हैं भाई 5:30 और बच्चे नीचे खेलने के लिए जा चुके हैं। और मैंने देखो मटके में पानी डाला है बोतल और ये बर्तन पड़े हैं सिंक में, तो बर्तन साफ करूंगी अभी मैं। और ये मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, दूध गर्म हो जाएगा, मंदी आँच कर दी है, मंदी आँच पे दूध गर्म हो जाएगा। और बर्तन साफ करने के बाद मैं भाई खाना बनाऊंगी। और इसने टैब में मैं मूवी देख रही थी, अभी बंद हो चुका है क्योंकि मैं काम करने लग गई थी तो इसलिए बंद हो गया है टैब, तो मैं मूवी देख रही थी। अभी बच्चे नीचे गए और आज मैं थोड़ा आरती दिखाऊंगी आप लोगों को, वो इस तो मैं म्यूट कर दूंगी क्योंकि फिर वो क्या बोलते हैं कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए। ये देखिए दोस्तों शाम के बजने वाले हैं भाई 6:30 और आर्यन अपना काम फुड़वा के फुड़वा चुका है। डेली कुछ ना कुछ करतब करवा के आता है इसको, हटा अपने इसको, ये देखो देख रहे हो दोस्तों कैसे फुड़वा के आया है। मर्द को दर्द नहीं होता, देखो मर्द को दर्द नहीं होता, इसको इतने थप्पड़ देखूंगी अभी बढ़ा देती हूँ इसको, मर्द है बेमर्द है। देखिए दोस्तों मैंने खाना बना लिया है भाई, और देखिए मैंने कुछ किया है अपने हस्बैंड के लिए। प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये ये देखिए मैंने मेरे हस्बैंड के लिए थाली रेडी की है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये थाली। बोल रहा बता ना सब्जी अच्छी बनाई है। ये देखिए दोस्तों बच्चे खाना खाने के लिए लग गए, और ये बहुत बोल रहा है ये पेंगड़िया सा, क्या बोल रहे हैं बोलना, सब्जी अच्छी बनाई है आज आपने, सब्जी अच्छी बनाई है आज आपने, बहुत बदतमीजी करने लग गया अभी ये। चलो दोस्तों बाहर चलते भाई, पेड़ वगैरह सब बना रही है, अच्छा लग रहा है मेरे को। तो दोस्तों आरती भाई हो चुकी है, अब मैं थोड़ा जल्दी हो गई आरती और मैंने आप लोगों को दिखाया सजावट पे। ये क्या कर रहे हो? अरे देखो दोस्तों मेरे हस्बैंड की पागलपन की देख लो क्या कर रहे हो। खाना खा रहे हैं भाई दोस्तों, 10:30 बज चुके हैं, 10 बजे 10:21 भूख देर में लगी थोड़ी ना, आगे मैं नहाया धोया भूख लगी जब खा रहा हूँ। चलो ठीक है दोस्तों बच्चे तो नीचे गए हैं, वो हो रहा है प्रोग्राम हो रहा है डांडिया का, वो देखने के लिए गए हैं। चलो ठीक है दोस्तों, ओके बाय, गुड नाइट।